शाहरुख खान के परिवार पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धोखाधड़ी के केस में ईडी ने नोटिस भेजा था गौरी खान को। हालांकि अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये आ रही है कि ईडी ने इस खबर को फेक बताया और कहा कि उन्होंने गौरी को कोई नोटिस नहीं भेजा है। भाई सोहेल खान की बर्थडे पार्टी से निकलते समय मां सलमा खान को हाथ पकड़ते हुए दिखे सलमान खान। उनकी कार को घेर कर खड़े हुए पैपराजी पर थोड़ा सा गुस्सा भी हुए भाईजान। आप भी डालें इस वीडियो पर एक नजर। कंगना रनौत की पॉलिटिक्स में एंट्री कंफर्म उनके पिता ने की। रिपोर्टेडली उनके पिता ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ेंगी कंगना। कौन सी सीट से चुनाव में उतरना है बॉलीवुड की क्वीन को, ये अब पार्टी तय करेगी। फिल्म एनिमल को लेकर एक विवादित बयान दिया अरशद वारसी ने। दरअसल एनिमल जैसी फिल्म करने के सवाल पर अरशद ने रिपोर्टेडली कहा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें देखना पसंद होता है लेकिन करना नहीं। मुझे देखना पसंद है लेकिन उसमें काम नहीं करूंगा। क्या सच में प्रेगनेंसी न्यूज को कंफर्म किया अनुष्का शर्मा ने? अनुष्का शर्मा ने प्रेगनेंसी टेस्ट किट का एक एड अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। ऐसे में अब अनुष्का के इस पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हर कोई यही कह रहा है कि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर को इस पोस्ट के जरिए अब कंफर्म कर दिया है। हेमा मालिनी और जया बच्चन के बीच शुरू हुआ कोल्ड वॉर। पार्लियामेंट से सांसदों के निलंबन के विरोध में जहां एक ओर पार्लियामेंट से वॉकआउट कर लिया जया बच्चन ने, तो वहीं दूसरी ओर सांसदों के इस निलंबन को सपोर्ट किया हेमा मालिनी ने। इससे नेटिजन्स अब ये कयास लगा रहे हैं कि दोनों वेटरन एक्ट्रेसेस के बीच शुरू हो गया एक कोल्ड वॉर। रणबीर और आलिया के बारे में हुआ दिलचस्प खुलासा। हाल ही में रणबीर कपूर के शेफ ने ये खुलासा किया कि आलिया को खुश करने के लिए डेटिंग के कुछ दिनों में रणबीर उनके लिए शेफ बन गए थे और उनके लिए रणबीर ने केक भी बनाया था। रश्मिका मंदाना डीप फेक वीडियो मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रिपोर्टेडली पुलिस ने 4 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ किया गया। हम आपको बता दें कि केस के आगे की छानबीन अब भी चल रही है। हाल ही में बैंड्रा में एक डबिंग स्टूडियो के बाहर दीपिका पादुकोण हुई स्पॉट। दीपिका की एक झलक लेने के लिए पैप्स की लगी भीड़। आप भी डालिए इस वीडियो पर एक नजर। एनिमल का नेगेटिव रिव्यू देने वाले क्रिटिक्स पर बड़ी बात कह दी संदीप रेड्डी वांगा ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा, उनमें सामने से बात करने की हिम्मत नहीं है, वो सिर्फ फिल्म के कुछ सीन पर बात करते हैं।